अब दी हुई निस्बत साइन थीटा है, साइन थीटा बराबर 11 बटे 61 है। फिर से हम वही जाप्ता इस्तेमाल करेंगे जो मुतमासिला मसावाता है, साइन कुवत दो थीटा जमा कॉस कुवत दो थीटा बराबर 1। अब यहां पर साइन की कीमत दी हुई है 11 बटा 61, साइन का मुरब्बा है इसलिए इसका मुरब्बा करेंगे, कुवत दो करेंगे जमा कॉस कुवत दो थीटा बराबर 1। अगली कीमत मालूम करेंगे, 11 का मुरब्बा 121 बटा 61 का मुरब्बा 3721 जमा कॉस कुवत दो थीटा बराबर 1। इसलिए तरफेन से अभी ये हिस्सा तफरीक करेंगे, 121 बटे 3721 यहां से तफरीक होकर ये सिफर हो जाएगा, बचेगा कॉस कुवत दो थीटा बराबर 1 नफी 121 बटा 3721। इसका नसब नुमा 1 है, यहां नसब नुमा 3721 है, तरफेन का नसब नुमा मसावी करेंगे, एक जैसा करेंगे, हम नसब करेंगे, उसके लिए 3721 को 1 से जर्ब देंगे, 3721 जर्ब 1 3721 जवाब आएगा 3721। इस तरह से 3721 नफी 121 बटे 3721, इस तरह से 3721 नफी 121 बटे 3721 कीमत मालूम करेंगे, कॉस कुवत दो थीटा बराबर 3721 में से 121 नफी होने पर 3600 बचता है बटे में 3721। अब हम क्या करेंगे, तरफेन का जजरुल मुरब्बा लेंगे, तरफेन का जजरुल मुरब्बा लेने पर क्या हासिल होगा हमें, कॉस थीटा बराबर 3600 का जजरुल मुरब्बा बटे 3721 का जजरुल मुरब्बा, 3600 का जजरुल मुरब्बा है 60 और 3721 61 का मुरब्बा है इसलिए उसका जजरुल मुरब्बा आएगा 61। इस तरह से कॉस थीटा की कीमत हासिल होती है 60 बटा 61। अगली निस्बत हम देखेंगे, अगली निस्बत है tan थीटा, tan थीटा की निस्बत होती है sin थीटा तकसीम में cos थीटा। अब sin थीटा की कीमत दी हुई है 11 बटा 61 तकसीम में cos थीटा की कीमत हासिल की है 60 बटा 61, 11 बटा 61 जर 60 बटा 61 का जर भी माफूस हो जाएगा, 61 बटा 60 ये कट जाएंगे, कीमत आएगी 11 बटा 60। इस तरह tan थीटा की निस्बत हासिल होगी 11 बटे 60। अब इन हासिल शुदा निस्बतों को हम जदोल में दर्ज करेंगे, कॉस थीटा 60 बटा 61 और टेन थीटा 11 बटे 60। इसके आगे अगली मिसाल हम देखेंगे,
अगली निस्बत दी हुई है कॉस थीटा बराबर एक बटा जजर तीन दी हुई निस्बत कॉस थीटा बराबर एक बटा जजर तीन है। फिर से हम वही जाता लेंगे साइन कोवर दो थीटा जमा कॉस कोवर दो थीटा बराबर एक साइन कोवर दो थीटा जमा कॉस की कीमत दी हुई है एक बटा जजर तीन, इसका मुरब्बा लेना है इसलिए एक बटा जजर तीन का मुरब्बा बटा एक बराबर एक, इसलिए साइन कोवर दो थीटा जमा एक का मुरब्बा एक जजर तीन का मुरब्बा तीन बराबर एक, इसलिए साइन कोवर दो थीटा बराबर तरफेन से एक बटा तीन को तफरीक करेंगे तो यहां कीमत सिफर हो जाएगी और इधर एक नफी में एक बटा तीन आएगा। इसको आगे हल करेंगे दोनों को हम नसब करेंगे तीन इकाई तीन नफी एक बटे में तीन, तीन में से एक गया दो बटा तीन हासिल होता है। इसलिए साइन कोवर दो थीटा बराबर दो बटा तीन। अब फिर से वही अमल करना है तरफेन का जजरुल मुरब्बा लेने पर क्या हासिल होगा साइन थीटा बराबर जजर में दो बटा तीन। अब हम अगली निस्बत देखेंगे टैन थीटा, टैन थीटा निस्बत हमें पता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा होती है। साइन थीटा की कीमत अभी हमने हासिल की है जजर में दो बटा तीन बटे कॉस थीटा की कीमत है एक बटा जजर तीन। साइन थीटा को हम इस तरह लिखते हैं जजर दो बटे में जजर तीन एक बटे में जजर तीन, जजर दो बटे में जजर तीन जर्ब जरबी माकूस जजर तीन बटा एक ये कट जाएगा कीमत आएगी जजर दो बटा एक। इस तरह टैन थीटा की कीमत आई जजर दो बटा एक जिसे लिखा जाता है सिर्फ जजर दो। इस तरह से टैन थीटा बराबर जजर दो ये निस्बत हासिल हुई जबकि साइन थीटा बराबर जजर तीन जजर दो बटा जजर तीन आएगा। अब ये कीमतें हम जदोल में दर्ज करेंगे साइन थीटा बराबर जजर में दो बटा तीन और टैन थीटा बराबर जजर में दो। आखिरी मिसाल हम देखेंगे